Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में और सही में मैं कहना चाहूंगा कि स्मैकडाउन ने हमको पिछले कुछ टाइम से अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना शुरू कर दिया है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे आज के स्पेशल दिन के बारे में, क्योंकि आपको पता है आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आज इसे किसी तरीके से सेलिब्रेट करो जैसे कि हम दूसरे दिनों पर करते हैं। और हाँ, ये देशभक्ति वाली जो फीलिंग है ना, वो हमारी जाती है ज़्यादातर इन्हीं दिनों पर, तो ऐसा हमको नहीं करना यार, ये चीज़ को हमको बनाए रखना है। एटलीस्ट एक छोटा सा काम तो आप ज़रूर कर सकते हो कि यार कूड़ा वगैरह मत फैलाया करो, क्योंकि एक छोटा सा एफर्ट है जो कि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप अपने आप को कहते हो कि मैं देशभक्त हूँ या फिर देश के लिए कुछ करना चाहते हो। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए, आई होप मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया होगा। हम लोग चलते हैं गाइस आज हुई स्मैकडाउन की तरफ और आज तो भाई प्यार में धोखा हो गया, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अटैक कर दिया अलेक्सा ब्लिस के ऊपर। इसके अलावा हमको शो पर बैटल रॉयल भी देखने को मिला, रेट्रिब्यूशन का जो अटैक था या फिर उनका जो डिस्ट्रक्शन था वो आज स्मैकडाउन के शो पर कंटिन्यू था। और गाइस हमको ये भी पता चल चुका है कि एजे स्टाइल्स को कौन फेस करने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर, कैसा था स्मैकडाउन का शो, अच्छा था बुरा था, और गाइस आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। देखिए इस बात की शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो बिगी और जॉन मॉरिसन के मैच के साथ होती है, लेकिन ये मैच कभी सही से स्टार्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हम लोग देखते हैं मैच शुरू होने वाला होता है यहाँ पर रेट्रिब्यूशन के बंदे आ जाते हैं। और भाई इस बार 5 नहीं थे, इस बार 10 से तो ज़्यादा थे, और कुछ हमको लंबे चौड़े भी देखने को मिल रहे थे। मतलब जिन लोगों की प्रॉब्लम थी ना कि ये छोटे छोटे बंदे, छोटे साइज के बंदे कहाँ से आ रहे हैं, शायद थोड़े वो लंबे थे इस बार, और हमने देखा कि इन्होंने पूरा तबाही सी मचा दी। और माइकल को कोरी ग्रेव्स तो भाई देखते ही भाग जाते हैं, इनको रेट्रिब्यूशन से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन्होंने पूरी तबाही सी मचा दी, मॉरिसन बिगी के ऊपर इन्होंने अटैक किया, किसी बंदे ने तो स्पीयर भी हिट किया था, और उसके बाद ही तबाही मचा के वहां से निकल लेते हैं। तो यानी कि जो मैच होना था बिगी और जॉन मॉरिसन का वो यहाँ पर नहीं होता, तो ये बहुत ही खतरनाक सा एंगल था जो कि WWE ने हमको शुरुआत में दिखा दिया। बहुत ज़्यादा वो लाइट की फ्लिकरिंग वगैरह हो रही थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या एक बंदा जाता होगा वहाँ पर जाकर वो छेड़छाड़ करता होगा जो पूरे टाइम ये चलता रहता है। वेल जो भी है, उसके बाद हमको बैक से देखने को मिलता है कि सारे बंदे ना मीटिंग्स ही कर रहे होते हैं, मतलब पंचायत सी बैठी होती है कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पर हमको बिगी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर बैरन कॉर्बिन भी थे जो कि कहते हैं कि लीडरशिप की कमी है, वरना ये अटैक कभी भी नहीं हो पाता। बिगी कहते हैं अरे चल चल भाई तू अपनी बकवास बंद कर। इसके बाद शेमस आते हैं, वो कहते हैं बिगी भाई तुम डरे हुए थे ना, और डरे हुए बंदे के ऊपर रेट्रिब्यूशन का अटैक हो रहा है इसलिए सारी चीजें हुई। तो बिगी कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, शायद वो यहाँ पर पूरे रोस्टर की बात कर रहे थे। तो ऐसा हमको स्मैकडाउन की शुरुआत में देखने को मिलता है। और शुरू के टाइम में हुआ तो कुछ नहीं, मतलब ना कोई मैच था ना कोई प्रोमो था, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ हो गया और कह सकते हैं आज की स्मैकडाउन की शुरुआत काफी मजेदार तरीके से थी। नेक्स्ट गाइस हमको देखने को मिलती है साशा बैंक्स एंड बेली, और यहाँ पर वो अपनी जैसे हमेशा तारीफें करती हैं वही सारी सीजन की कंटिन्यू थी। वो कहती हैं यहाँ पर कि कौन वो स्टूपिड इडियट होगा जो कि बैटल रॉयल को जीतेगा और फिर चैलेंज करेगा बेली को, क्योंकि उसका फायदा तो कुछ होने नहीं वाला, वैसे भी बेली ही रहेंगी चैंपियन। वो स्टेफनी मैकमैन की बात करती है कि कैसे स्टेफनी मैकमैन ने हमारे आड़े बहुत सारी चीजें लाने की कोशिश करी, लेकिन कैसे उन सारी चीजों का फायदा नहीं है। और वो क्या करती हैं, जो अनाउंसर होता है उसको भगा देती हैं, कहती हैं तुम्हारी जॉब नहीं, अभी इस जॉब को भी हम ही लोग चला सकते हैं क्योंकि हम इतने ज्यादा महान लोग हैं। उनके हाथ में जो है पूरी वो चिट वगैरह होती है जिससे वो नाम वगैरह सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। वो सबसे पहले एंट्रेंस करते हैं, मतलब आइकॉनिक्स वहां पर आते हैं, सभी को एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जैसे ही आस्का का नाम आता है उन दोनों की जो है हवाइयां उड़ जाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लगता है किसी ने गलती से यहाँ पर इसका नाम डाल दिया है, लेकिन उतने में आस्का का थीम सॉन्ग प्ले होता है और उन्होंने अटैक कर दिया बेली एंड साशा बैंक्स के ऊपर, जिसके बाद ही बैटल रॉयल शुरू होता है। और आपको पता है तीनों ही ब्रांड्स से यहाँ पर सुपरस्टार थे, किसी के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर चांस लग रहा था शेना बेजलर का, बियांका ब्लेयर का या फिर आस्का का कि वो इस मैच को जीत सकती है। और एंड में हम लोगों ने देखा भी कि बियांका ब्लेयर ने मतलब जिस तरीके से वो तमीना को एलिमिनेट किया वो बहुत ही कमाल का स्पॉट था, लेकिन एंड में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ शेना बेजलर और आस्का बचती है। और सीन यहाँ पर ये भी बनता है कि आस्का एक तरीके से एलिमिनेट हो ही गई होती है, लेकिन वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, वो खड़ी हो जाती हैं बेली एंड साशा बैंक्स के ऊपर। और एंड में जो है आस्का ने एलिमिनेट कर दिया शेना बेजलर को और इस तरीके से वो इस बैटल रॉयल को जीत चुकी है। और कितना इंटरेस्टिंग है कि वही नंबर वन कंटेंडर है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और वही नंबर वन कंटेंडर है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। शायद मेरे को लगता है WWE ने इसको रेलिवेंट बनाने के लिए किया, क्योंकि अगर वो कोई दूसरा बंदा उठा लेते, दूसरी बंदी उठा लेते स्मैकडाउन से, NXT से या फिर रॉ से, जो कि इस वाली स्टोरी लाइन में सेंस नहीं बनाता, तो वैसे भी उसका कोई फायदा था नहीं। अब आप ये जरूर कह सकते हो कि आस्का को सारी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अगर आप स्टोरी लाइन के हिसाब से देखो तो इसका सेंस बनता है। और भाई अब देखो आगे क्या होता है, क्योंकि आस्का ने तो भाई फिर बैक स्टेज जाकर भी अटैक किया था इन दोनों के ऊपर, तो स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग बन रही है। मतलब हमको अनएक्सपेक्टेड थिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर आस्का के पास अब मौका है कि वो दोनों ही चैंपियनशिप ले लें साशा बैंक्स एंड बेली से। बैक स्टेज गाइस हमको मैंडी रोज देखने को मिलती है और यहाँ पर उन्होंने वो चीज अनाउंस करी, मतलब वो चीज बताई जिसको हम लोग सुनने के लिए वेट कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पर
सोनिया डेविल को चैलेंज कर दिया हेयर वर्सेस हेयर मैच के लिए। आपको पता है इसके रूमर्स ऑलरेडी आ गए थे, फाइनली ये चीज मैंडी रोज ने कह दी है। और गाइस बाद में हमको सोनिया डेविल का भी प्रोमो देखने को मिलता है बैक स्टेज से, जहां पर उन्होंने मैंडी रोज के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैच बन गया। आपको पता है विमेंस डिवीजन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए आजकल बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया कि वो कैसे बढ़िया स्टोरी लाइन दिखाएं, लेकिन यहां पर उन्होंने बढ़िया से काम किया। और समर स्लैम का भाई वेट करो, इस मैच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। किसके बाल उतरेंगे ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है देखने के लिए। लेकिन गाइस इसके बाद हमको शेमस वर्सेस शॉर्टी जी का मैच देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही जरूरी मैच था शेमस के लिए, क्योंकि यहां पर उनको इस मैच को जीतना ही था, किसी भी कीमत पर वो हार नहीं सकते थे। मैच बिल्कुल क्लीन था, मेरे को लगा था किसी की इंटरफेरेंस होगी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। शेमस ने यहां पर अपने ब्रू के साथ शॉर्टी जी को हरा दिया। और शॉर्टी जी के साथ तो भाई क्या हो रहा है, मतलब कभी हम देखते हैं कि उनका हील टर्न हो गया, लेकिन आज हम लोगों ने बैक स्टेज देखा था बाद में एक सेगमेंट के अंदर कि वो अपोलोजाइज कर रहे हैं मैट रिडल से। लेकिन उसमें होता क्या, बैरन कॉर्बिन पीछे से मैट रिडल के ऊपर अटैक कर देते हैं और बैरन कॉर्बिन को लगता है कि शॉर्टी जी अभी भी मेरे साथ है, क्योंकि ये इस तरीके से शॉर्टी जी ने मैट रिडल को फंसाया ताकि मैं अटैक कर सकूं। और मेरे ख्याल से मैट रिडल को भी यही लग रहा होगा कि शॉर्टी जी ने मेरे को ट्रैप में फंसाया, तो शॉर्टी जी के साथ तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। देखो भाई क्या शॉर्टी जी के साथ कुछ होगा, या फिर इन सुपरस्टार्स को बड़ा बनाने के लिए सिर्फ यहां पर शॉर्टी जी का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट गाइस हमको देखने को मिलते हैं द फिनोमिनल वन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एजे स्टाइल्स। और आज उनकी जो मकसद होता है वो ये कि उनको अपने लिए अपोनेंट चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वो रिंग में आते हैं, बड़ा सा व्हाइट बोर्ड भी होता है, वो कहते हैं कि देखो मैं फिनोमिनल हूं, मैंने सभी को हरा दिया, इसको हरा दिया, उसको हरा दिया। तो अब ये जानने की बारी आ गई है कि कौन है ऑन बोर्ड जो कि मुझे चैलेंज कर सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन वो बोर्ड के ऊपर सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, कहते हैं ना मेरे ऊपर कोई है, ऑब्वियसली ऊपर तो कोई हो नहीं सकता, और नीचे भी कोई नहीं है, पूरा एम्प्टी बोर्ड है तो सिर्फ द फिनोमिनल वन। मतलब वो कहते हैं मेरे को चैलेंज करने लायक कोई बंदा नहीं है। उतने में जेफ हार्डी का थीम सॉन्ग प्ले होता है, जेफ हार्डी आते हैं, वो कहते हैं भाई देखो मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन तुमको याद होगा मैं टूर्नामेंट के अंदर था जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था, और वहां पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी होती, हो सकता था हम दोनों एंड में मिल जाते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो मेरे को यहां पर चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि हां मैं भी तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन चैंपियनशिप के लिए तो तुमको मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है या फिर तुमने इसको अर्न नहीं किया है। वो उल्टा जेफ हार्डी की बेइज्जती करने लग जाते और कहते हैं कि ये कोई पिटी पार्टी नहीं है। उतने में जेफ हार्डी को गुस्सा आ गया, उन्होंने अटैक कर दिया और ट्विस्ट ऑफ फेट भी लगा दिया एजे स्टाइल्स के ऊपर। तो यहां से हमको क्लियर पता लग गया कि भाई अब इनका ही मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इवन बैकस्टेज भी एजे स्टाइल्स होते हैं, वहां पर वो गुस्से में होते हैं और काइंड ऑफ उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो ये जो फ्यूड है फाइनली हमको देखने को मिल गई, कल मैंने आपको बता दिया था एक तरीके से ये स्पॉइलर ही होने वाला है, तो इंटरेस्टिंग है और आई होप WWE इस डायरेक्शन में कुछ अच्छा जरूर करे। नेक्स्ट गाइस हमको मैच देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस ग्रैन मैटालिक के बीच। और ये आपको पता इसलिए था क्योंकि WWE शायद जो टैग टीम चैंपियनशिप है उसके लिए मौका देना चाहती है लूचा हाउस पार्टी को, और इसलिए यहां पर ये मैच था। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये थी नोट करने वाली कि कलिस्टो का हमको यहां पर रिटर्न देखने को मिलता है, और कलिस्टो की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए शिंसुके नाकामुरा। उससे होता ही है कि ग्रैन मैटालिक को फायदा हुआ और उन्होंने यहां पर पिन कर दिया नाकामुरा को अपना एल्बो ड्रॉप लगाने के बाद, और वो इस मैच को जीत गए। तो डेफिनेटली यहां पर क्लियर डायरेक्शन है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि उन्होंने चैंपियनशिप भी चोरी कर ली थी नाकामुरा और सिजारो की, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वैसे लूचा हाउस पार्टी के साथ कुछ तो होता नहीं, बट मुझे यहां पर कुछ हिंट लग रहा है कि शायद WWE इस बार उनके साथ कुछ इंटरेस्टिंग कर सकती है। नेक्स्ट चीज की बात करें तो गाइस हमको सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलता है एलेक्सा ब्लिस का, जहां पर उनको कुछ क्वेश्चन का आंसर करना था कि फीड ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आपको कह दिया कि मैं तो इनके बारे में केयर ही नहीं करता हूं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो यहां पर जो हम आंसर चाह रहे थे एलेक्सा ब्लिस की तरफ से कि वो क्या सोचती चीजों के बारे में, को जानने को मिले नहीं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि WWE ने सारी चीजें जो है शो के मेन इवेंट के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन उससे पहले हमको देखने को मिलता है बिगी वर्सेस जॉन मॉरिसन का मैच, जो कि शुरुआत में होना था लेकिन वो रेट्रीब्यूशन की अटैक की वजह से हो नहीं पाया। यहां पर इनका मैच स्टार्ट होता है एंड गेस व्हाट, यहां पर भी रेट्रीब्यूशन थी, लेकिन इस बार रिंग में नहीं, इस बार उन्होंने बैक स्टेज लॉकर रूम के अंदर बिल्कुल तबाही सी मचा दी। वो रेफरीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो स्टाफ होता है, जो क्रू मेंबर होते हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया, चेयर इधर पटक रहे हैं इधर उधर, मतलब उन्होंने पूरी तबाही सी मचा दी। और ये बात माइकल कोल एंड कोरी ग्रेव्स को पता लग जाती है, हालांकि जो रिंग में हो रहा होता है वहां पर किसी को कोई भी आइडिया नहीं होता कि क्या होता है, बट उनको इन्फॉर्म किया जाता है, वो बैक स्टेज आते हैं, लेकिन तब तक जो है रेट्रीब्यूशन अपना काम करके चली जाती है। और रिंग में हमको बिगी एंड जॉन मॉरिसन का मैच कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है, ओटिस रिंग साइड पर आते हैं, जिसका कोई सेंस तो वैसे बना नहीं। और मैच के रिजल्ट की बात करें तो यहां पर बिगी ने एक बार फिर से अपना वही सबमिशन मूव यूज किया और वो इस मैच को जीत गया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि शेमस ने आकर ब्रू किक लगा दी बिगी के ऊपर। क्लियर है यहां पर कि WWE शेमस को भी पुश करना चाहती है, बिगी के लिए भी बड़े प्लान्स हैं, तो मेरे को काफी सही लगा कि WWE ने इनको आपस में फ्यूड करने के लिए चुना है। और डेफिनेटली ये एक बढ़िया फ्यूड हो सकती है, क्योंकि शेमस आपको पता है पिछले कुछ हफ्तों से काफी कमाल कर रहे हैं, इवन बार फाइट को हार भी गए थे। हम लोग चलते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की तरफ, और यहां पर होने वाला था कन्फ्रंटेशन फीड एंड ब्राउन स्ट्रोमैन का।
सबसे पहले ब्राउन स्ट्रोमैन आते हैं और नोट करने वाली बात यहाँ पर ये थी कि ब्राउन स्ट्रोमैन का लुक चेंज है, उन्होंने अपने जो सर है उसके सारे बाल उतरवा लिए हैं, यानी कि वो हो चुके हैं बाल्ड। हालांकि उनका जो बाकी लुक है वो पूरा सेम था और वो गुस्से में थे, मॉन्स्टर वाली वो हमको यहाँ पर फीलिंग दे रहे थे। वो रिंग में आते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं स्वॉर्म से निकलूंगा तो मैं सबसे खतरनाक बंदा होऊंगा और देखो तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है, तुमने मेरे से गलत पंगा ले लिया। इसके बाद एलेक्सा ब्लिस आती है, एलेक्सा ब्लिस उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम तो अच्छे फ्रेंड से, क्या हुआ तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा कि मैं केयर नहीं करता। तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा कि देखो तुमने मेरे को सिर्फ यूज किया है और इसीलिए तुम मेरे साथ रहना चाहती थी, हमारे बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे ब्रे वाइट या फिर फीन के जो भी कॉन्टैक्ट में आता वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने हमको ये बताने की कोशिश करी कि फीन के कॉन्टैक्ट में वो भी आए और इस वजह से वो हो चुके हैं चेंज, जैसे कि एलेक्सा ब्लिस भी बदल चुकी है। लेकिन एलेक्सा ब्लिस क्या करती है, वो अलग ही गुस्से में आ जाते हैं, उनको लगता है कि भाई ये तो मेरा प्यार था, मतलब वो रोमांटिक वाला एंगल हमको पहले देखने को मिला था ना, तो वो उल्टा चपत लगाने लग जाती है, मतलब वो स्लैप लगाने लग जाती है कि भाई ये तो मेरा ही बंदा है, तो क्या ही करेगा मुझे। ब्रॉन स्ट्रोमैन को आता है गुस्सा, वो एलेक्सा ब्लिस को सीधा ऊपर उठा देते हैं, मतलब अपने शोल्डर के भी ऊपर उठा लेते हैं और वो फीड को कर रहे होते हैं कॉल आउट। लाइट वगैरह बुझती है और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन एलेक्सा ब्लिस को हवा में उड़ा देते हैं। हालांकि जैसे ही उड़ाया उतने में जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती हैं और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन पहुंच जाते हैं टाइटल ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर, जहां पर वो हंस रहे होते हैं और फीड देख रहे होते हैं कि एलेक्सा ब्लिस नीचे पड़ी हुई हैं और वो वहां पर तड़प रही हैं और फीड भी एक तरफ हंस रहे हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन भी एक तरफ हंस रहे हैं और स्मैकडाउन इस तरीके से चली जाती है ऑफ एयर और नीचे रो रही होती है एलेक्सा ब्लिस। तो ये बहुत ही खतरनाक सा मेन इवेंट के अंदर WWE ने हमको चीज दिखाई है, मतलब मजा सा आ गया इसको देख के। और ये है भाई रियल ब्रॉन स्ट्रोमैन, मतलब अभी तक मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की आप लोगों ने सुना होगा मैंने को बहुत क्रिटिसाइज किया था, ऑब्वियसली उसके पीछे रीजन था क्योंकि उनके जो प्रोमोज वगैरह हैं एज अ फेस वो बिल्कुल ही बेकार होते हैं। लेकिन अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को आप लोग देखो जैसे ही WWE ने उनको हील बनाया उनके करेक्टर में एक अलग ही मजा आ रहा है और अब मेरे को लग रहा है कि फीड के लिए भाई बिल्कुल भी आसान नहीं, जैसे हमको तो पहले लग रहा था ना कि फीड तो भाई जीत ही जाएगा, अब मेरे को सीन थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, ब्रॉन स्ट्रोमैन अब बन चुके हैं मॉन्स्टर। तो भाई आज के ओवरऑल अगर मैं स्मैकडाउन के शो की बात करूं तो डेफिनेटली एंटरटेनिंग था, 2 घंटे में आप शो कब देख लो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, तो भाई आज तो मेरे को शो देखने में पूरा बहुत ही ज्यादा मजा आया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 5 स्टार में से शो को आप लोग कितने स्टार्स दोगे। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर सीधे रह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।